हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश हूँ, क्योंकि मैं इस खुली पहाड़ों के बीच में, ये ठंडी ठंडी झरने के बीच में हूँ। तो पता है आप, मैं आज कहाँ आई हूँ? तो मैं आई हूँ आज वाटरफॉल्स में। आप लोग बताइए कौन से वाटरफॉल्स है। तो गाइस, ये है नहानी वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे वाटरफॉल्स देखा और इतनी मज़ा आ रहा है। ठंड तो बहुत लग रही है, बारिश काफ़ी हो चुकी है और हो भी रही है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, आप लोग ज़रूर इस वाटरफॉल्स में आइए और नहाइए। ये नहानी फॉल्स है, यहाँ पे आप लोग नहा सकते हैं, लेकिन हम ऑलरेडी भीग चुके हैं और ठंड भी बहुत लगी है, तो मैं नहा नहीं रही थी। मैं एक ही कपड़े लेके आई थी, एक जोड़े कपड़े, तो मेरे पास तो कपड़े नहीं है, तो मैं इसलिए नहा नहीं पा रही। लेकिन यहाँ पे बहुत लोग नहा रही है, बहुत मज़ा आ रहा है ये वाला वाटरफॉल्स में। आगे देखा था हमने नेकलेस वाटरफॉल्स, वो भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे ये बहुत अच्छा लगा। जो ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है ना, वहाँ पे जगह अलग ही मज़ा आता है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे जिसकी पीछे ये वाला लोकेशन है और पीछे भी बहुत सुंदर लग रहा है और ये पानी जा रहा है और यहाँ पे छोटा छोटा स्टॉल लगा हुआ है, आप चाय पकौड़े की मज़ा ले सकते हो। आज बहुत ज़्यादा बारिश है, इसलिए लोग इतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा, लेकिन लोग दूर दूर से आए तो थोड़ा बहुत उतर के फोटो सब खींच रहा है, लेकिन मौसम बहुत ख़राब हो चुका है ये नहानी फॉल्स में। ये बहुत सुंदर लगेगा, अगर बारिश अगर कम होता ना तो और बहुत मज़ा आता। ये वाली देखिए कितनी सुंदर। तो ये है नासिक का खूबसूरती, नासिक बहुत सुंदर है। तो गाइस, इन चारों को देखिए कैसे लड़ रहा है, झगड़ा कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, कितना मज़ा आ रहा है। ये तो लड़ गया किसी भी तरह, लेकिन हमने तो एक जोड़ी कपड़े लेके गई, ढीले हो गए मेरी तरह से, तो मैं नहा नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे बहुत मन है मैं नहाऊँ। तो ये नहानी फॉल्स है चंदन बेली के अंदर, और जो लोग बंडरडरा डैम पहले जा चुकी है उन लोगों को पता है, बंडरडरा से आप 22 किलोमीटर और अंदर ऊपर जाना है, उसके बाद आपको ये चंदन बेली मिलेगा, और चंदन बेली से फिर ये ऑर्डर। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।